नेक्स्ट देखिए, इससे पहले अपन ने क्या देखा था, वंडरवाल गैसों के लिए जूल टॉमसन गुणांक देखा था। सेकंड, आदर्श गैस के लिए जूल टॉमसन गुणांक का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि म्यू एच का मान अपने को निकालना है। म्यू एच का मान निकालने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले आदर्श गैस देखते हैं। आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या होती है, पीबी बराबर आरटी, पीबी बराबर आरटी, ठीक है ना। पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर हो गया। देखिए, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष वी का अवकलन करने पर, स्थिर दाब पर ताप टी के सापेक्ष आयतन वी का अवकलन करने पर, ठीक है। आदर्श गैस के लिए जूल टॉमसन गुणांक का मान देखना था। आदर्श गैस क्या होती है, पी वी बराबर आर टी, पी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। पी को यदि अपन कांस्टेंट रख लेते हैं और टी के सापेक्ष, टेम्परेचर टी के सापेक्ष वी वॉल्यूम वॉल्यूम का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देंगे, देन क्या रिजल्ट आएगा, पी डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू आर, ठीक है। वी का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, पी को अपन ने कांस्टेंट रख लिया, देन इक्वेशन क्या आएगी, पी बराबर पी डेल वी अपॉन डेल टी, पी कांस्टेंट है इक्वल टू आर, या डेल वी अपॉन डेल टी पी आर अपॉन पी आ जाएगा। पी भी बराबर क्या होता है, आर टी, देन आर अपॉन पी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन टी लिखा जाता है, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल टी पी आर अपॉन वी, वी बराबर क्या, आर अपॉन पी बराबर क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन टी लिख देंगे। अब चूंकि होता क्या है, म्यू एच बराबर वन अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी, ये वाला पार्ट था, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल टी पी, डेल वी अपॉन डेल टी पी का मान कितना है, वी अपॉन टी, यानी कि म्यू एच बराबर कितना आया, वन अपॉन सी पी टी वी अपॉन टी माइनस वी आ गया। टी से टी कैंसिल आउट, वी माइनस वी शून्य, यानी कि म्यू एच का मान कितना आया, शून्य। आदर्श गैस के लिए जो म्यू एच का मान होता है वो, यानी कि जूल टॉमसन गुणांक का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि आदर्श गैसों को संरंधन डाट में से नियत दाब पर गुजारने पर उनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यदि आदर्श गैसों को अपन क्या करते हैं, संरंधन डाट में से गुजारते हैं, तो इसके टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। जूल आदर्श गैस के लिए जूल टॉमसन गुणांक का मान देखा था। आदर्श गैस क्या होती है, पी बराबर आर टी, ठीक है। पी को कांस्टेंट रख करके टी के सापेक्ष वी का क्या कर दिया, अपन ने डिफरेंशियल कर दिया, पी डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू कितना आ गया, आर डेल वी अपॉन डेल टी पी को कांस्टेंट रख रखा है, तो आर कितना है, आर अपॉन पी वी अपॉन टी आ गया, ठीक है। म्यू एच बराबर कितना आया, वन अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी, डेल वी अपॉन डेल टी पी का मान कितना है, वी अपॉन टी आ गया, ठीक है। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और वी माइनस वी कितना आया, जीरो हो जाएगा, यानी कि म्यू एच का मान कितना आया, शून्य आ गया। आदर्श गैसों को यदि अपन इसमें से गुजारते हैं, ठीक है,
तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, शून्य आएगा, यानी कि उनके टेम्परेचर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो था आदर्श जूल टॉमसन गुणांक। ठीक है ना, जूल टॉमसन गुणांक था, उसके जो प्रसार वगैरह पर मान आए थे वो वाले पार्ट अपने यहाँ पे सरल किए हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल दे रखा है 400 केल्विन ताप पर O2 गैस के लिए जूल टॉमसन गुणांक का मान अपने को ज्ञात करना है। 400 केल्विन ताप दे रखा है, O2 गैस के लिए μH का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। Cp बराबर 29.26 जूल पर मोल। ठीक है, Cp जो विशिष्ट उसमें अपने पास प्राप्त हुई थी उसका मान कितना दे रखा है, 29.26 जूल पर मोल। A बराबर 0.132 न्यूटन मीटर फोर अपॉन मोल स्केयर। B बराबर 3.12 × 10⁻¹⁵ मीटर केल्विन मीटर्स क्यूब अपॉन मोल, और R दे रखा है 8.3 जूल पर मोल केल्विन। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें जो μH है उसका मान निकालना है। ठीक है, μH की फॉर्मूला क्या होता है, μH बराबर कितना होता है, 1 Cp 2A / RT - B लिखा जा सकता है। μH बराबर कितना आया था, 1 Cp 2A / RT - B लिख सकते हैं। सभी का मान रख दीजिए, 1 Cp का मान दे रखा है, 1 Cp का मान कितना दे रखा है, 29.26। ठीक है, (2.132) ये का मान रख दिया, अपॉन 8.3 × 400 - 3.12 × 10⁵5। ठीक है, 1 Cp का मान 29.26 जूल पर मोल है। कॉन्स्टेंट A का मान कितना दे रखा है, 0.132 न्यूटन मीटर फोर अपॉन मोल स्केयर। R का मान कितना होता है, 8.3 जूल पर मोल केल्विन। और T कितना दे रखा है, 400 केल्विन दे रखा है, और -3.12 × 10⁻¹⁵। ये किसका मान आ गया, V का मान आ गया, जो कि कांस्टेंट है, 3.12 × 10⁻¹⁵ मोल m मीटर क्यूब अपॉन मोल। ये सभी मान अपन ने यहाँ पे रख दिए, कैलकुलेशन कर लो कितना आया, कैलकुलेशन करके देखो कितना मान आएगा, 1/2926। ठीक है, 7.95 × 10⁻¹⁵ -3.12 × 10⁻¹⁵। ठीक है, -5 के रूप में इसको बाहर ले लेते हैं, 10⁵ था, इसको अपन ने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, और इसमें घटा देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 4.83 × 10⁵5 / 29.26, 1.65 × 10⁻¹⁶ केल्विन मीटर स्केल अपॉन न्यूटन। इसका मान आ जाएगा, μH का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, 400 केल्विन पर O2 के लिए μH का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। Cp का मान दे रखा है 29.26 जूल पर मोल, कांस्टेंट A का मान दे रखा है 0.132 न्यूटन मीटर फोर अपॉन मोल स्केयर, B कांस्टेंट का मान दे रखा है 3.12 10^5 - 5 मोल मीटर क्यूब अपॉन मोल, और R कितना होता है 8.3 जूल पर मोल केल्विन। μH बराबर कितना आ गया 1/Cp 2A/RT - V आ जाएगा। ठीक है, सभी की वैल्यू रख लो, और वैल्यू रखने पर किसका मान आ जाएगा, μH का मान आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इससे पहले भी अपन ने μH निकाला था, वो किसके लिए था, आदर्श गैस के लिए μH का मान अपन ने प्राप्त किया था। ठीक है, आदर्श गैस के लिए μH का मान कितना आया था, 0 प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, पी वी बराबर क्या होता है, RT पी डेल वी अपॉन डेल टी आर डेल वी अपॉन डेल टी पी, यानी कि पी को कांस्टेंट रखकर टी के सापेक्ष वी का क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं, और μH का मान अपने पास कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है,